कर भाई सीधा मुद्दे के बात पे आता हूँ यार। 13 साल की बच्ची के साथ 9 लोग रेप किए भाई, 9 लोग। और ये है भोपाल का केस है भाई, उमरिया जिले का है, जहाँ एक बच्ची थी जो सब्जी मार्केट गई थी और 2 कुत्ते लोग उसका पहला फुसला के नंबर लिए, दोस्ती करेंगे करके उसको गाड़ी में घुमाएंगे करके लेके चले गए जंगल, और जंगल लेके चले गए और फिर वहां तेरा MMS बना देंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे करके उस बिचारी का रेप किए। रेप करने के बाद लेके गए ढाबा में, ढाबा में वो बिचारी बच्ची रो के गिड़गिड़ा रही थी ढाबा के मालिक के पास, बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है भैया, मेरे को घर छोड़वा दीजिए। तो वो जो ढाबा का मालिक है वो भी रेप किया, उसके 4 साथी लोग थे वो लोग भी उसका रेप किए। अब उसके बाद उन 2 लड़कों को क्या मतलब लगा सूझा, फिर से उस लड़की को जंगल लेके चले गए, दोबारा रेप किए। और उसके बाद फिर वो लड़की बिचारी हाथ जोड़ के बोल रही थी कि प्लीज प्लीज भैया मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे को अपने बड़े पापा के घर छोड़वा दीजिए। तो वो लोग एक ट्रक ड्राइवर को दे दिए, बीच सड़क में छोड़ के आ गए। वो ट्रक ड्राइवर पूछा उस बच्ची से कि बताओ बेटा क्या हो गया, वो बच्ची बिचारी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो ट्रक ड्राइवर लोग भी उस बच्ची के साथ रेप किए, 6 दिन में 9 लोग रेप किए, कहाँ तक सही है ये बताओ, और क्या होना चाहिए उनके साथ ये बताओ, फांसी होना चाहिए सीधा सीधा। मैं जितने भी ये बड़े नेता वेता हैं, मोदी जी वीडियो शेयर करो, जितने लोग हैं सबको टैग करो, और अगर औकात नहीं है तो अपनी कुर्सी छोड़ के आ जाओ। मैं सीधा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये वीडियो इतना ज्यादा शेयर करो, आज 9 लोग रेप किए, कल 15 लोग रेप किएंगे, चुप बैठोगे तो ये रेप के ऊपर रेप होगा और कुछ नहीं होगा। क्या हुआ था निर्भया केस में, 4-5 साल बाद सजा सुनाए थे, मर गई बिचारी, तब ये तो फिर भी जिंदा है, फिर भी जिंदा है, 9 लोग रेप कर रहे, कहाँ तक सही है बताओ। एक तरफ नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, दूसरे तरफ इस टाइप का गंदा हरकत कर रहे हैं, इतना गंदा हरकत, इतना मतलब कहाँ तक सही है। रोको ये नेता लोग, ये जिनको आप मोदी जी भाजपा कांग्रेस करके लड़ रहे हैं, कोई काम के नहीं है कुछ। इनको विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है, इनको नोटबंदी करवाने से फुर्सत नहीं है, इनको पाकिस्तान से लड़ने से फुर्सत नहीं है, तब कहाँ कुछ करेंगे यार। खुद की बेटी नहीं है, कहाँ समझेंगे फीलिंग्स। और आप लोग भी चुप बैठ जाना, क्यों, क्योंकि हमारी बच्ची के साथ तो रेप नहीं हुआ है, तो हम क्यों मतलब वीडियो शेयर करें या वीडियो बनाएं या उसके लिए आवाज उठाएं, हमारे लिए तो जरूरी नहीं है। जिस दिन हमारी बच्ची के साथ ये सब 3-5 हरकत हो जाएगा, उस दिन हम वीडियो बनाएंगे, किसी भले ही किसी लड़की का इज्जत चले जाए, कोई इज्जत से खेल दे, फांसी नहीं सुना सकते, तुरंत कम से कम 7 साल 8 साल 15 साल